हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द नेक्स्ट लेवल में दोस्तों आज का वीडियो जो है वह रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री के टॉप थर्टी प्रश्नों के साथ शुरू होता है इससे पहले हमारे द्वारा तीन वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं यह इस सीरीज का चौथा वीडियो है यदि आपने उन तीनों वीडियो को नहीं है तो हमारे चैनल के प्ले में जाकर उन तीनों वीडियो को देख सकते हैं साथ ही इसी तरह का फिजिक्स और बायोलॉजी का भी प्रश्नों के साथ उस प्लेलिस्ट में मैंने क्वेश्चन डाल दिया है जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है तो जितना हो सके उन वीडियो को देखें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो का लाभ उठा सके अब आपका मैं ज्यादा समय ना लेते हुए सीधा मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ तो आज का पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर वन निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नोदक या रॉकेटों रोक, में ईंधन के रूप में किया जाता है तो किसका प्रयोग नोदक रॉकेटों के ईंधन में किया जाता है तो किया जाता है द्रव हाइड्रोजन प्लस द्रव ऑक्सीजन का यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा रॉकेटों में ईंधन का प्रयोग हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन के रूप में किया जाता है अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर दो निम्नलिखित में से किस पदार्थ की गंध एंथ्रोनोइक एसिड जैसी होती है तो किस पदार्थ की गंध जो है एंथ्रोनोइक एसिड के रूप में होती है तो उसका नाम है मिट्टी का तेल यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर तीन यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रियाओं को जारी रखने में किस कण की जरूरत होती है तो यहाँ यूरेनियम विखंडन की बात कही जा रही है इनकी प्रक्रिया को जारी रखने में किसका प्रयोग किया जाता है किस कण का प्रयोग किया जाता है तो उस कण का नाम है इलेक्ट्रॉन दोस्तों आप भी हमारे साथ आंसर करते रहे और वीडियो के अंत में जरूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं और कितने प्रश्न गलत हो रहे हैं अब मैं चलता हूं अगले प्रश्न की ओर अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर चार किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ का आधा जीवन चार महीनों में का होता है तो उसका तीन चौथाई भाग कितने महीनों में नष्ट होगा तो यह कितने महीनों में नष्ट होगा यह आठ महीनों में नष्ट हो जाएगा अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर पाँच निम्न में से किसका प्रयोग हल्के लेकिन मजबूत प्लास्टिक बनाने के लिए किया जाता है तो किसका प्रयोग मजबूत प्लास्टिक बनाने में किया जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा सही पोलीबिनाइल क्लोराइड यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर छः निम्नलिखित में से कौन सा तो रेडियोधर्मी नहीं है यहाँ रेडियोधर्मी कौन नहीं है ये आपको बताना है तो रेडियोधर्मी जर्कोनियम नहीं है यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसी तरह का हमारा एक सीरीज फिजिक्स और एक सीरीज बायोलॉजी का चल रहा है तो उन प्रश्नों को भी आप जरूर देखें ताकि आपके आने वाले एग्जाम में आप भी एक भी प्रश्न ना छोड़ सके अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर सेवन ब्रदर फोर्ड के प्रकर्णन परीक्षण ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया है तो यह किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया है तो परमाणु में न्यूक्लियस को यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आप चलते हैं अगले प्रश्न की ओर अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर एट वह तत्व तो जो प्राकृतिक में नहीं होता लेकिन कृत्रिम रूप से उत्पन्न किया जा सकता क्या है तो वह कृत्रिम रूप से क्या उत्पन्न किया जा सकता है वह है प्लूटोनियम यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर नाइन सबसे हल्का रेडियो एक्टिव तत्व तो कौन सा है तो सबसे हल्का रेडियो एक्टिव तत्व की बात कही जा रही है तो वह कौन है तो वह है ट्राइटियम यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर दस यूरेनियम का परमाणु द्रव्यमान दिया हुआ है 92 और परमाणु संख्या जो दिया हुआ है 238 परमाणु में कितने न्यूट्रॉन होंगे तो यह न्यूट्रोनों की बात कही जा रही है तो न्यूट्रोनों हो जाएगा एक यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा यह निकालेंगे कैसे तो 238 में से 92 घटा लेने पे 146 आ जाएगा हमारा तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर ग्यारह रेडियो धर्मिता के दौरान उत्सर्जित ना की गई बिकरणें हैं यहाँ रेडियोधर्मिता के दौरान ना उत्सर्जित ना की गई बिकरने हैं तो कौन है तो रिनाग्र यानी कैथोड किरने यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर बारह न्यूक्लियर रिएक्टर में प्रयोग किया जाने वाला विमंदक है तो न्यूक्लियर रिएक्टर में प्रयोग किए जाने वाला विमंदक कौन है तो वह है साधारण जल यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर तेरह जब कैथोड किरणें उच्च आणविक भार के लक्ष्य से टकराती है तो वे किसे उत्सर्जित करती है तो किसे उत्सर्जित करती है कैथोड किरणें तो वह उत्सर्जित करती है एक्स किरणों को यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर चौदह न्यूक्लियर रिएक्टरों में भारी जल का प्रयोग शीतलक के रूप में किया जाता है भारी जल है क्या है भारी जल ये आपको बताना है तो भारी जल जो है वह हाइड्रोजन के भारी आइसोटोप से युक्त जल होता है यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर पंद्रह विघट विघट नाभिक यानी रेडियोधर्मी वस्तुओं को किससे बनने वाले पात्र में रखा जाता है तो किससे बनने वाले पात्र में रखा जाएगा तो यह रखा जाता है इस्पात यानी या इस स्टील के पात्र में रखा जाता है अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर सोलह निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का वाणिज्यिक स्त्रोत नहीं है तो ऊर्जा का वाणिज्यिक स्त्रोत कौन सा नहीं है तो वह है ईंधन यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर सत्रह कठोर कोयले की सबसे अधिक गुणवत्ता वाला कौन सा कोयला है यहाँ कठोर कोयले की बात कही जा रही है तो सबसे अधिक किसमें पाया जाता है गुणवत्ता तो वह है एंथ्रासाइड दोस्तों इसी तरह का हमारा फिजिक्स और बायोलॉजी का भी एक सीरीज चल रहा है तो उन वीडियो को आप देखना ना भूलें इन सभी वीडियो को मैंने एक साथ एक प्ले में डाल दिया है तो आप प्ले विजिट करके उन सभी वीडियो को देखें ताकि आपके आने वाले एग्जाम के लिए आपको काफी हेल्प मिल सके अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर अठारह प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक कौन है यहाँ प्राकृतिक गैस की बात कही जा रही है तो प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक कौन है तो यह है मीथेन यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर उन्नीस टेरिलीन एथिलीन ग्लिकोल और किस अम्ल का संगनक बहुलक है तो यह किस अम्ल का संगनक बहुलक है तो यह है फेथेलिक अम्ल का यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर बीस चेरनोबिल महाविपता किसके प्रदूषण का परिणाम है तो यह चेरनोबिल की बात कही जा रही है यह महाविपता है तो यह किसके प्रदूषण का परिणाम है तो यह रेडियो अवशिष्ट प्रदूषण का परिणाम है यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर इक्कीस ओजोन की परत में रिक्त करण किसके कारण होता है तो यहाँ ओजोन की परत में जो छेद छिद्र हो रहे थे वह किसके कारण हुआ था तो यह हुआ था क्लोरोफ्लोरो कार्बन के कारण यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर बाईस केरल तट पर रेडियो एक्टिविटी प्रदूषण निम्नलिखित में से किस कारण हुआ था तो यहाँ केरल तट की बात कही जा रही है तो वहाँ पर रेडियो एक्टिविटी प्रदूषण हुआ था थोरियम के कारण यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इस वीडियो में मैं जितना भी प्रश्न लेके आता हूँ वह एग्जाम में पूछे गए प्रश्न होते हैं तो इन वीडियो में से जितने भी मैंने प्रश्न लेके आया उन सभी प्रश्नों को एक बार जरूर देखें ताकि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी आपको मदद मिल सके अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पॉलीमर है तो यहाँ प्राकृतिक पॉलीमर की बात कही जा रही है वह कौन है तो वह है क्या ऊर्जा का वाणिज्यिक स्त्रोत है तो ऊर्जा का वाणिज्यिक स्त्रोत क्या है यह आपको बताना है तो ऊर्जा का वाणिज्यिक स्त्रोत जो है वह है प्राकृतिक गैस यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव जैव उर्वरक नाइट्रोजन को निम्नलिखित में से किस में परिवर्तित करते हैं यहाँ जैव उर्वरक नाइट्रोजन की बात कही जा रही है तो इसे निम्नलिखित में से किस में परिवर्तित करते हैं तो यह परिवर्तित किया जाता है अमोनिया में यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजनीय उर्वरक नहीं है तो यहाँ नाइट्रोजनीय उर्वरक की बात कही जा ना रही है वह कौन नहीं है तो वह है सुपर फास्फेट यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर सत्ताईस दर्द निवारक मरहम आयोडेक्स में से किसकी गंध आती है तो आयोडेक्स में से किसकी गंध आती है तो यह आती है मिथाइल सेली सिलेट यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर अट्ठाईस सिरके का रासायनिक नाम क्या है तो यहाँ सिरके की रासायनिक नाम की बात कही जा रही है तो यह क्या है तो इसका नाम होता है एसिटिक एसिड यानी एसिटिक अम्ल ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आप चलते हैं अगले प्रश्न की ओर अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी निम्नलिखित में से स्वच्छतम ऊर्जा का स्रोत क्या है यहाँ स्वच्छतम ऊर्जा के स्त्रोत की बात कही जा रही है वह क्या है तो वह है पवन ऊर्जा यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर तीस निम्नलिखित में से कौन सा समान वायु प्रदूषक नहीं है यहाँ समान वायु प्रदूषक की बात कही जा रही है वह कौन नहीं है तो वह है नाइट्रस ऑक्साइड नाइट्रस ऑक्साइड जो है वायु प्रदूषण नहीं करता यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा तो दोस्तों यहीं पे हमारा यह वीडियो समाप्त होता है उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगेंगे और इस वीडियो में मैं जितने भी प्रश्न लेके आता हूँ वह सारे के सारे एग्जाम में पूछे गए होते हैं या पूछे जाने की संभावना है तो दोस्तों जितना हो सके इन वीडियो को आप अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी इन वीडियो का लाभ उठा सकें और आने वाले एग्जाम में सफलता हासिल कर सकें तो अब मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम